रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन आर्या फॉल्स इन लव सीन फ्रॉम द मूवी आर्या 2। तो अभी अभी तो उन दोनों दोस्तों की लड़ाई नहीं, बट लाइक जबरदस्ती वो काम पे लग चुका है, जबरदस्ती की दोस्ती निभा रहा है वो उसके साथ। ओके सो अभी नौकरी पे लग ही गया है और प्यार भी हो जाएगा क्या फटाफट ना एकदम। सो फ्रेंड्स, हेलो, आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल लखनऊ वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। आप हाईटेक सिटी जा रहे हैं ना? देखा कैसे पता लगा लिया मैंने? ये मत सोचिए कि मैं लिफ्ट मांग कर जा रही हूँ, ऑफिस में आज पहला दिन है ना, लेट नहीं होना चाहती। एफएम लगाऊं क्या? गांव में हमारी बहुत गाड़ियाँ हैं, चाहती तो मैं भी गाड़ी में जा सकती हूँ। लेकिन गाड़ी मांगी तो पापा शादी कर लो कहते हैं। वैसे कार के लिए शादी तो नहीं कर सकते ना? स्माइल प्लीज। इसको फोटो खींचने की बात हो तो वाह, सुपर। ये कार आपकी नहीं है ना? आपकी है भी तो आपकी नहीं लग रही। देखा कैसे पता लगा लिया मैंने? कैसे नहीं पता चलता? अगर आपकी कार होती तो ड्राइव करते हुए पोज थोड़ी ना देते। यस। थोड़ा सा आगे, थोड़ा और। कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्रेंस के सामने उतरो तो थोड़ा भाव बढ़ता है। थैंक यू। शायद इसको पसंद आ गई है। माय ऑफिस। आई लव हर। You love her? दोनों को प्यार हो गया। I love her. We love her. We love her. हम दोनों best friends हैं ना? Congrats यार। ए अजय, don't worry. Coin? अच्छा, toss करके decide। Toss मैं करूँगा। Okay. Heads या tail? Always tails. Oh, cheating. हेड्स, ये तो मेरी है। नहीं, मेरी है। हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना? जो तू जीता वो मेरा और जो मैं जीता वो तेरा। सो गीता मेरी है। स्माइल प्लीज। दिस इज कॉल्ड मैनिक डिप्रेशन। आर्या तुम्हें प्यार नहीं करता इसलिए तुम बहुत हर्ट हो गई हो। आई विल आस्क यू टू क्वेश्चंस। तुम खुश होती हो तो तुम्हें कैसा लगता है? आर्या को हक करने का मेरा मन करता है। और फिर गुस्सा आता है तो क्या लगता है? आर्या को और भी कस के हक करने का मेरा मन करता है। पानी सर पे चढ़ गया है, कोई फायदा नहीं। इसी समय तुम्हारे और आर्या के बीच एक दीवार खड़ी करनी होगी। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एचआर कौन है? कौन है नहीं, कौन है? यानी वो आप ही हैं। देखा कैसे पता लगा लिया? सॉरी सर, आई एम गीता। ओ, आई एम डॉक्टर चरण दास, 10 degrees होल्डर, फ्रेंड ऑफ बिल गेट्स। Wow, really? HR कम साइकोलॉजिस्ट ज्यादा। सॉफ्टवेयर वालों को आने वाले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करता हूँ। ग्रेट। आओ, तुम्हें टीम से मिलाता हूँ। सॉफ्टवेयर फील्ड में पैसों के साथ बीमारियाँ भी बहुत हैं। इसलिए इनके नाम के बजाय इनकी बीमारियाँ ही याद रहती हैं। He is Mr. Obsessive Compulsive Disorder। ये कोई भी काम 3 बार करता है, पैदा सिर्फ 1 ही बार हुआ था। How about coffee? 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 ये नार्कोलिप्सी है। ये कब सो जाता है, कब जाग जाता है, ये खुद भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। जाग गया, फोटो ले लो वरना सो जाएगा। सो गया। हाईली टैलेंटेड। क्या बात है। और ये आप? ये मिस्टर गजनी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। रोज मिलने वाला मुझे नहीं पहचानता तो तुम्हें क्या याद रखेगा? इससे इंट्रोड्यूस करवाना बेकार है। चलो हाउ अबाउट सॉरी आई फॉरगॉट। सॉरी। क्या हुआ यार? ऑफिस जा रहा हूँ सर। तेरी ऑफिस 9th floor पर है, ये 6th floor है, जाओ।
ये वैट 69 है, 6 और 9 को समझ नहीं पाता। इसकी ऑफिस 9 फ्लोर पर है और ये 6 फ्लोर पर भटकता रहता है। अरे 9 फ्लोर पर जाए, 6 फ्लोर है, जाता है कि नहीं, निकल। अब मेरे बारे में सुनो। मैं बताती हूँ, आप है मिस्टर टेक्नोमेनिया। आपकी दो कमजोरियाँ हैं, एक है आईफोन, मेरे जीजा ने दिया है, दूसरा है लैपटॉप, बिल गेट्स ने दिया है। ये तो आपकी कमजोरियाँ हैं। एग्जैक्टली। देखा कैसे पता लगा लिया। मैं ऐसी ही हूँ, शक्ल देखकर पूरी कहानी बता देती हूँ। हेलो, तुम मेरी तस्वीर खींचना भूल गई हो। सॉरी, आई फॉरगॉट। जस्ट वेट। यस, स्माइल। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी में डिफेक्ट है। नो 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 नो, यू आर मिस्टेकन। बिना डिफेक्ट वाला भी यहाँ है, मिस्टर परफेक्ट आर्या, योर टीम लीडर। ही इज डीसेंट, सिंसियर, इंटेलिजेंट, यहाँ तक कि वो ऑफिस में लड़कियों को भी नहीं देखते। आई एम जूली, मैनिक डिप्रेशन, डीपली इन लव विद आर्या, मिस्टर परफेक्ट। इस बात का फैसला आप लोग नहीं, मैं करूंगी। कहाँ है तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट? You're right. He is Mr. Perfect. Le liya photo. Hey, hold on. Thank you. Hi, morning. Geeta. आपकी की टीम में कल ही ज्वाइन हुई। सॉफ्टवेयर कंपनीज में टीम लीडर्स का लड़कियों को छेड़ना कॉमन है, ये तो मुझे पता है, लेकिन सबने कहा आप बहुत डीसेंट हैं, बहुत सिंसियर हैं, लड़कियों को यहाँ तक कि चोरी छुपे भी नहीं देखते। उनके कहने से नहीं, मैंने भी देखते ही पहचान लिया कि यू आर अ परफेक्ट गाय। आप लिफ्ट से डरते हो ना? देखा कैसे पता लगा लिया, मिस्टर परफेक्ट में थोड़ा सा डिफेक्ट है। एनीवे, आप जैसा टीम लीडर मिलना विद अ स्मॉल डिफेक्ट, आई एम वेरी लकी। हेलो, मैंने आपकी तारीफ की है, कोई भी रिएक्शन नहीं है। हाँ, ओह गॉड, मैंने मिस्टर परफेक्ट सॉन्ग पे रिएक्ट किया है बहुत पहले, और मिस्टर परफेक्ट ने ये क्या कर दिया पहली ही मीटिंग में, पहले ही बार जब वो एक शब्द से बात नहीं की। ओके, बात तो बिल्कुल भी नहीं की उसके साथ। और एक्चुअली इतना परफेक्ट है, लाइक हमने गाड़ी में एक सीन देखा था, राइट, वो शराब वराब पी के था, उसका वो ड्रेसिंग स्टाइल, वो मारा मारी करना, वो सारी चीजें। ओके, एंड अभी टोटली चेंज हो चुका है, अभी एकदम मिस्टर परफेक्ट, कुछ चीजें गलत नहीं है, ना वो लड़कियों को देखता है, ना वो शराब पीता है, ना कुछ, मतलब कुछ भी गलती नहीं है, गलत नहीं, आई मीन कुछ भी नहीं, इतना परफेक्ट, सही है ना देखा जाए तो। एंड बाल वाल तो सब चेंज हो ही गए, जैसे हमने देखा तब एकदम कली कली बाल थे, अब एकदम स्ट्रेट, कैसे क्या। ओके, बाय द वे, वहां पे ऑलरेडी एक लड़की है जो उसके प्यार में पागल हो चुकी है, जो चाहती है कि सिर्फ आर्या उसको देखे, आर्या जैसे तैसे उससे प्यार करे, आर्या उसके साथ रहे, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो सबकी बीमारी ब्रह्मानंदम सर इसमें भी है, लिटरली आलू अर्जुन और ब्रह्मानंदम सर की जो जोड़ी है वो खतरनाक नहीं है, मस्त है इन दोनों का ऐसा जोड़ी, एंटरटेनिंग। अभी तक तो दोनों इकट्ठा एक स्क्रीन पे नहीं आए, मतलब एक भी सीन नहीं मैंने देखा ऐसे कि दोनों इकट्ठा है, बट एनीवेज जिस तरीके से वो अल्लू अर्जुन की तारीफ कर रहा है दैट ही इज मिस्टर परफेक्ट एंड ऑल एंड ऑल, तो माइट बी हो चुका है सीन, शायद एक तो भी हुआ होगा। मैंने इंट्रोडक्शन सीन के बाद ये वाला सीन, फॉलिंग इन लव वाला सीन पे रिएक्ट किया। आपको कैसे लगा ये सीन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन ऑन अल्लू अर्जुन, आर्या फॉल्स इन लव विद गीता फ्रॉम द मूवी आर्या 2 ऑफ अल्लू अर्जुन। आपको और भी ऐसी वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो,
क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं, तो प्लीज बाकी परत निहाल था।